से आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि समान काम समान वेतन को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुनवाई ज्यादा देर तक आज नहीं चली। इस मामले की सुनवाई कल फिर होगी। प्रदेश के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर निगाह टिकी हुई है। आपको बता दें कि 31 जुलाई से ही इस मामले में सुनवाई चल रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात की कोर्ट में हुई अब तक की सुनवाई के दौरान सिर्फ राज्य सरकार के वकील के द्वारा ही अपना पक्ष रखा गया। इसमें कोर्ट में एक बार फिर से राज्य सरकार के वकील के द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार की आर्थिक हालात ऐसी नहीं है कि वे नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दे, यानी कि नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति सुविधा और वेतन दिया जा सके। तो फाइनली आपने देखा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में 10 से 15 मिनट ही इस केस को लेकर के सुनवाई हुई और उसके बाद फाइनली सरकार के अधिवक्ता दीवान साहब ने कहा कि राज्य के आर्थिक हालात ऐसी नहीं है कि वे नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति सुविधा और वेतन दे सके। में यह भी एक खबर आ रही है कि कल दीवान साहब के बाद सरकार के एक और अधिवक्ता मुकिल रोहतगी भी अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद फाइनली नियोजित शिक्षकों के द्वारा अपना पक्ष रखा जा सकता है। इस मामले की सुनवाई कल पुनः 10:30 बजे से होनी है। इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू।